मेरे घर वालों से यही निवेदन है, मेरे भाइयों से। मेरा एक लड़का मनीष छोटा है, अभी 3-4 महीने का हुआ है। थोड़ा उसका उसको कुछ चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। चलो मेरी वाइफ तो ऐसे निकल गई, मेरी पत्नी तो गलत निकल गई, निकल गई। छोटी छोटी बातों को लड़ पड़ती है, लेकिन आज ऐसा समय आया कि आज मेरे को मरना पड़ रहा है। मेरे बेटे मनीष का ख्याल रखना, उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। रोते हुए ये बात कहने के कुछ ही देर बाद इस शख्स ने कथित तौर पर पीछे नजर आ रहे इस पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। राजस्थान के अजमेर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सुरेश मेघवाल नाम के इस शख्स की पूरे इलाके में चर्चा है। सिर्फ 26 साल के सुरेश ने मौत को गले लगाने से पहले 2 वीडियो रिकॉर्ड किए और अपनी पूरी कहानी बयां की। एक वीडियो में वो खेत में बैठा नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरे वीडियो में उस पेड़ के ठीक सामने जिस पर लटक कर उसने अपनी जान दी। जाखोलाई गांव के रहने वाले सुरेश को आत्महत्या के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, इसके लिए उसने वीडियो में अपनी पत्नी के झूठे आरोपों और पुलिस के रवैये को जिम्मेदार बताया है। सुरेश ने कहा कि आज मैं जो कुछ बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, क्योंकि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। 13 तारीख की बात है भाई, छोटी मोटी बात हो गई, घर गृहस्थी में हो जाती है पति पत्नी के बीच में। तो मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी थाने चली गई और झूठा बयान वहाँ थानेदार को दे आए, और थानेदार इतना नीच था कि वो सोचे समझे बिना सोचे समझे बयान लिखता गया और बात को आगे बढ़ाता गया। थाना लगता है रूपनगढ़, जो उस सिम से भी मेरे पास कॉल आया और मेरे को धमकी दी, मैं वैसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा, तेरे को जेल भेज दूंगा, तो तू कभी छूटेगा नहीं। तो मैं पूछता हूँ कि ये पुलिस वाले भाई क्यों ऐसा काम करते हैं, क्यों लोगों का घर बिखेरते हैं, अगर इसके अंदर सच्चाई नहीं है या फिर किसी को सच्चाई नहीं समझते और ना ही बताते हैं और बिना सोचे समझे फाइल दर्ज कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है। कल मैंने खूब मना किया था, फोन आया था पुलिस वाले का मेरे पास, भाई इस फाइल को आपने दर्ज किया तो ये फाइल गलत है, झूठा है, झूठा झूठा बयान लिखा गया इसमें, और बयान कुछ भी नहीं, सिर्फ कोई खाने पीने के ऊपर बात हुई थी, उसको बढ़ा के लंबा किया गया था। अभी फाइल मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन उसमें जो थानेदार धमकी देता है मेरे को, वो पुलिस वाला कि तुम तुम्हारे परिवार को लेके थाने आओ और तुम्हें हमें जेल के अंदर डालेंगे और मारपीट करेंगे, तो भाई ऐसा किया क्या हमने जो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। आज मैं इस जो भी आपके सामने आज बात कह रहा हूँ मैं, वो बिल्कुल सच है, और मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। आज मैंने सुसाइड करने का आज विचार किया, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। मैंने कभी वो किसी को दुख दिया ही नहीं, फिर मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा भाई। वीडियो में सुरेश ने आगे बताया कि दरअसल उसकी 2 शादियां हुई, पहली शादी में उसे धोखा मिला और दूसरी पत्नी ने भी उसे कभी नहीं समझा। ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता, लेकिन इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई लोग समझे सोचे
और जो ये औरतें हैं लड़कियां आजकल की, इनके चक्कर में ना आए, क्योंकि मैं आके इतना फंसा हूँ कि मैं किया तो मैं सही हूँ लेकिन आज मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं मेरा घर गृहस्थी बसाने के चक्कर के अंदर मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने पहले सही सोच समझ कर शादी की थी। 2.5 लाख उनको मैंने नगद दिया था, 2 लाख तो मैंने एक साथ दिया था, किसी से मांग के लाया था, 50 किसी से लिया, 10 किसी से भी लिया, 20 किसी से भी लिया, मांग कर मैंने 2 लाख इकट्ठे किया। और पहली शादी हुई थी मेरी उजोली, जो पास में गांव पड़ता है। तो 2 लाख में वो माने नहीं, 50,000 मैंने अलग से दिए थे, 10 कभी 5 कभी, ऐसे करके उनको 2.5 लाख हो जाए। और ये तो उनका खर्चा, मांग की उनकी कि आप 2.5 लाख रुपए दो तो हम शादी आपकी, हम आपको लड़की देंगे। तो मैंने उस चक्कर में आके, चलो ठीक है पैसे तो और कमा लेंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा कि हमारे साथ गलत हो जाएगा, गलत व्यवहार होगा। मैंने इसे कभी कभी नहीं सोचा था। डायलॉग नगद है, और उस टाइम की बात हाल गई साल दो करीब 1.5 साल की बात है। 2.5 लाख का मेरा गहना था उनके पास, जैसे 2.5 लाख के अंदर सब मतलब वो आ गए। 2.5 लाख का गहना था वो रख लिया, शादी टूट गई, लड़की को 3 साल में कभी भेजा ही नहीं। एक दो बार लेने गया तो मेरे साथ मारपीट की। तो भाई मैं उनसे दुखी होकर उनसे, चलो मेरे जो भी खर्चा हुआ अंदर मतलब 7 लाख जैसे 30,000 मेरा वो पूरा मेरा भी खर्चा लगा, लेर पीछे मेरा भी शादी हुई तो मेरे भी खर्चा तो लगा ही है, तो मेरा पूरा खर्चा भाई ऐसे करके 6,30,000 रुपये मेरे उस टाइम 2017-18 की बात है, 2018 के महीने मेरे 6,30,000 रुपये खर्च हुआ था उस शादी में। तो वो भी मेरी पत्नी मेरे साथ गलत बर्ताव की, और मेरे वो पहले वाले भी सासू अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं जब ही जाता मेरे साथ मारपीट करती और एक दो बार मारने की धमकी भी दी। तो मैंने उनसे फैसला किया, रुपनगर थाने में आके फैसला किया था। उस टाइम विष्णु साहब थे थानेदार अधिकारी, उनसे बातचीत करके ये फैसला कराया, वरना मेरे तो मौत उस दिन आ गई होते थे। भाई मैं इस शादी से परेशान होकर उसको छुटवारा किया। छुटकारा करने के बाद चलो मैंने सोचा तो सोचा 6,30,000 रुपये गए तो गए, और कमा लेंगे पैसे, तो अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो पत्नी और आ जाएगी, दूसरी शादी कर लेंगे। भाई मैंने मेरी ज़िंदगी बचाने के चक्कर में और मेरे घर बनाने के चक्कर में मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई, क्या बताऊँ मैं आपको। मेरी बात बचने का कोई चांस नहीं अब मेरे पास, क्यों मैं यहाँ आ चुका हूँ। उस शादी का फैसला हुआ है, दूसरी शादी फिर की मैंने यहाँ पिंगोन, छोटा सा गांव है साली साकुन के पास। क्या करूँ बताऊँ, जितनी कम है छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ती है, मेरे माँ बापों को गाली देती है अनसंड। अगर माँ बाप को गाली देते हैं तो माँ बाप एक होती है, चाहे माँ बाप उसके हो चाहे मेरे हो, बाप माँ एक ही होती है। और मेरे भाई पे जो ये कल FIR दर्ज करा के आई है वो गलत है। आपको बता दें कि सुरेश की पत्नी ने पुलिस को जो शिकायत दी थी उसे लेकर अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। पुलिस ने उसे थाने पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके पहले ही सुरेश ने अपनी जान दे दी।
इस वीडियो में बार बार अपने बेटे का जिक्र करता रहा, कहता रहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है, उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता, पर अब उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। कभी किसी को दुख नहीं दिया कभी, फिर भी मेरे को आज इतना दुख झेलना पड़ रहा है। मारा मनुष्य को ध्यान रख जो रख लाने के।